हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिवाइस एंड प्रिंटर्स पेज इज ब्लैक और नॉट लोडिंग ऑन विंडोज 11। अगर आपको ये सेम प्रॉब्लम शो हो रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, ब्लैक स्क्रीन और वो सब आ रहा है, ब्लैक पेज और तो बड़े इजीली हम इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है CMD, फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें या कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करें, फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दें। दोनों मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। अगर ये परमिशन मांगे तो यस पे क्लिक करें और इधर आपको ये कमांड टाइप करना है, SFC स्पेसलेस स्कैन नाउ। ये वाला कमांड आप सिंपली टाइप करें और फिर एंटर पे क्लिक कर दें। और ये सेकंड कमांड है, ये रहा तो फर्स्ट कमांड आप टाइप करें, फिर सेकंड कमांड, और ये सेकंड कमांड है ये। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे आप कमेंट करेंगे तभी मैं ये दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इन दोनों प्रोसेस सक्सेसफुली रन हो जाए तो फिर क्लोज कर दें, फिर रीस्टार्ट करें अपने PC या लैपटॉप को। रीस्टार्ट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम इजीली फिक्स हो जाएगी। डिवाइस एंड प्रिंटर्स पेज इज ब्लैक और नॉट लोडिंग ऑन विंडोज 11। तो आपकी ब्लैक पेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और वो जल्दी लोड हो जाएगा, मतलब वो नॉट लोडिंग तो वो जल्दी लोड हो जाएगा और इजीली आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए, प्लीज कमेंट करें मेरे वीडियो पे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही यूजफुल वीडियोस।